नमस्कार, आपको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम अब ठान लिया है कि जितना भी अवैध निर्माण है शहर के मध्य नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हम सिलीगुड़ी नगर पालिका का यह कार्य को आपको दिखा रहे हैं। यह जो गैर कानूनी निर्माण है, ऐसा मानना है सिलीगुड़ी नगर पालिका का, यह पाइपलाइन इलाका में यह निर्माण गैर कानूनी निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आपको यह भी बता दें कि ये 36 नंबर वार्ड विनय मोर से आपको मैं लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ। विनय मोर दक्षिण शांति नगर बहु बाजार में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है नगर निगम सिलीगुड़ी नगर निगम पालिका, और अब यह मन बना चुका है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर पता चला है कि इस अवैध निर्माण के मालिक को पहले नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद भी उन्हें जू तक नहीं रेगा। अंतोगत्वा नगर पालिका ने यह स्टेप लेते हुए कमर कस के उतर गया मैदान में जेसीबी बुलडोजर लेकर के, और इस अवैध निर्माण को मटियामेत करने में लग गया है, ध्वस्त करने में लग गया है। जैसे कि पता चला है कि ये मुझे स्टोरे था, और इसको भवन के रूप में, इसके जो मालिक थे, जो निर्माणकर्ता थे, वो भवन के रूप में इसका निर्माण किए थे कि भवन बना करके इससे वह उपार्जन करने का उनकी सोच थी। तो ये अब देख पा रहे हैं, ये जेसीबी सामने मेन गेट को तोड़ने में भी लग गई है। ये देखिए, गेट को तोड़ दी इतनी आसानी से। ये मशीन का भी क्या कहना, हाथी के सूंड के तरह एक बार अपने सूंड को आगे लगाती है और उसको ध्वस्त कर देती है। अगर एक इंसान को अगर इस कार्य को दिया जाए तो इतना कम समय में इस कार्य को कर पाना असंभव है, लेकिन ये हाथी का सुरनुमा जेसीबी मशीन का क्या कहना। देखिए, यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द कुछ बच्चे भी हैं जो हमारी बातों को सुन करके वो फूले ना समा रहे हैं, हंस पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, आपको बता दें कि आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, और ये हम आपको गैर कानूनी पाइपलाइन इलाका, गैर कानूनी निर्माण को ध्वस्त कर रहा है सिलीगुड़ी नगर पालिका, 36 नंबर वार्ड विनय मोड़, इस स्थान का नाम है बहु बाजार भी इसको हिंदी में कह सकते हैं, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम अब मन बना ली है कि जितने भी अवैध निर्माण है शहर में, किसी भी इलाका में, उसे अब ये छोड़ने वाली नहीं है। चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। और गत काल जैसे कि हम लोग ने देखा कि सेठ श्रीलाल मार्केट में, खुदीराम पल्ली में भी इसी तरह का एक अवैध निर्माण को नगर निगम नोटिस देने के बावजूद भी वहां पे कुछ लोग जो है देखा किया, अनसुना किया, तो अंत में नगर निगम जो है मजबूरन अपना कार्य किया। तो इस आज ये डे बाय डे अब आप देख पा रहे हैं, ये जेसीबी अब फिर दूसरा गेट के तरफ पड़ गई है। ये देखिए हाथी के सूंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हाथी के सूंड में जो शक्ति, सामर्थ्य और ताकत होती है, वैसा ही ताकत कहीं ना कहीं जेसीबी मशीन में भी पाया जाता है। यह अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य को, ये देखिए, इस गेट को बनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन तोड़ने में मिनटों का काम, सेकंडों में। यह हाथी का सूंड जैसा ताकत रखने वाला मशीन, जेसीबी जिसे कहते हैं, एक पल में, ये देखिए, जैसे कि उसके लिए कुछ है ही नहीं, उसके लिए घास फूस तिनकों के तरह है। यह गेट लोहा का है, इतने मोटे मोटे चदरा का है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए, लेबर श्रमिक भी, सिलीगुड़ी नगर पालिका अपना श्रमिक लोगों को भी इस्तेमाल करके, जितने भी यहाँ पे गेट है जो तोड़ा जा रहा है, जो ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण को, आपको बता दें, जितने भी दर्शक हमसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर पालिका यह 36 नंबर वार्ड विनय मोर में गैर कानूनी पाइपलाइन इलाका को ध्वस्त करते हुए नजर आ रही है। इस इलाका का नाम दक्षिण शांति नगर बहु बाजार के नाम से जाना जाता है, और ये बेआईनी गैर कानूनी निर्माण नगर पालिका के दृष्टिकोण से है। ये देखिए, फिर एक गेट के तरफ इसकी नजरें हैं। ये जेसीबी, नगर पालिका की जेसीबी ऐसे ही जगहों पे अपना ध्यान रखती है
जो कि गैर कानूनी है। जैसे कि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर पता चला है कि इस निर्माण किए हुए स्थान का, इस निर्माण किए गए कंस्ट्रक्शंस के मालिक को कई दफा नोटिस दिया गया, लेकिन वो इसको लाइटली लेने के बावजूद नगर पालिका से मिले नहीं कि क्या हुआ। अब ये तो नगर पालिका बताएगी। तो आइए देखिए ये स्थिति है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो। सतर्क रहें, सावधान रहें। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।